जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR प्रयागराज की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 1664 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें, अभी जो मेरिट लिस्ट आया है, इसके अलावा और भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे और वो भी बहुत ही जल्द उसका भी मेरिट लिस्ट जारी होगा, क्योंकि अभी बहुत ही कम कैंडिडेट का DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सीट से भी कम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसके अलावा कॉल लेटर भी जारी होगा, अभी जारी नहीं हुआ है, जारी होते इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, DV का डेट भी चेंज हो गया है। सभी जानकारी इस वीडियो में देखें, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखते रहिए अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल। आप प्ले स्टोर पर जा करके आप अनिल सर ITI का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको अभी टेस्ट सीरीज पे ट्रेड्समैन मेट का अपलोड हुआ है उसको आप दे पाएँ। ठीक है, जाइए अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रयागराज के मेरिट लिस्ट के बारे में। आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जब आइएगा तो यहाँ पर आपको करियर ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट की जानकारी मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट के साथ साथ DV का नोटिस भी आया हुआ है, तो उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों नाम नोटिस डाउनलोड कर देखिए। अगर आपका नाम आया हुआ है तो आप जो है अपना एवरेज परसेंटेज नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, एवरेज परसेंटेज कमेंट करिएगा, साथ ही ट्रेड और आपका ना जो है कैटेगरी नीचे कमेंट करिएगा। और जिसका नहीं हुआ है वो भी अपना एवरेज ट्रेड और कैटेगरी कमेंट करिए और लिखिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे पता चल पाए कितने परसेंटेज तक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और कितने पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और हमको जानकारी मिलेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन पर जब क्लिक करिएगा तो आपको डाउनलोड करने मिलेगा। यहाँ पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पर जाएंगे तो हमारा डाउनलोड है। ये देखिएगा, ये आपका मेरिट लिस्ट है। इसमें देखिएगा तो हालांकि 1664 सीट था, देख पा रहे हैं, और इसमें टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या आप देखिएगा तो 1200 ही हैं। ठीक है, ये प्रयागराज के कैंडिडेट का है। ठीक है, और बाकी जो और भी जगह का है उसका मेरिट लिस्ट अभी नहीं देखने को मिल रहा है। लगता है अभी कुछ दिन के बाद जारी करें, एक दो दिन या जब जारी करें हम आपको बता देंगे। इसमें देखिए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कहाँ जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नवाब यूसुफ रोड नियर वाल्मीकि चौराहा प्रयागराज जाना है, कितने तारीख को है और कितने बजे जाना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख पाएंगे सबको अलग अलग डेट में बुलाया गया। 28 तारीख से शुरू है और ये 29 तारीख तक चल रहा है। ये 28 और 29 दो दिन चलेगा, उसके बाद ही शायद DV के लिए बुलाया जाए। और बाकी देखिए, एक नोटिस जो आया है उसको नोटिस डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर ये नोटिस है, ये आप नोटिस देख पाएंगे। ये दूसरा नोटिस है, पहला एक दूसरा आया था जिसमें बताया गया था 26 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक DV होने वाला है, लेकिन फिर जिसे डेट चेंज करके 28 से लेकर के 4 तारीख किया गया है। और इसमें बताया गया है कि देखिए, मेरिट लिस्ट कट ऑफ और एडमिट कार्ड 26 तारीख से कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट प्रयागराज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी तरह से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको एक और मौका दिया जाता है 4 जनवरी को। आप पहुंच करके 4 जनवरी 2024 को पहुंच करके आप फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर 4 तारीख को अगर आप अनुपस्थित रहे तो आपको DV नहीं हो पाएगा। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है यहाँ पर अभी नहीं बताया गया। कॉल लेटर जारी हुआ तब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट वैसे लगेगा, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगने वाला है, डॉक्यूमेंट यही सब लगने वाला है। बाकी देखिएगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL में से कोई एक ले लीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेंट्रल SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का याद रखिए सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल लेवल का लगने वाला है, डिसेबिलिटी PEWS वाला EWS ले लेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है आपके पास होगा, कोई बाहर से बनवाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास स्टेट वाला है वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम हमेशा कहते हैं स्टेट वाला मत बनवाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियाँ हैं उन सब के लिए आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का उपयोग करें। ठीक है, बाकी मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा, अपडेट करते रहेंगे। आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, आप टेलीग्राम पर भी मिल जाए, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर भी चेकआउट करिए। और कॉल लेटर जैसे ही आएगा, कॉल लेटर की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। अगर आ गया तो, नहीं आता तो भी आपको किसी जानकारी से हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।